को हम प्रणाम करते, यहीं से प्रारंभ होती है भागवत की महिमा। श्री जी के सहित भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, श्री कृष्णाय वयम नमः। ये कृष्ण का अर्थ क्या है, ये इनका नाम कृष्ण क्यों है? बोले कृष्ण का मतलब खींच लेने वाला। बहुत ज्यादा पंडिताई और व्याकरण मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सिर से उड़ जाएगा, लेकिन इतना मोटी मोटी बात दिमाग में रखे रहो, कृष्ण का मतलब जो खींच ले बस। और जितने बड़े बड़े पंडित अर्थ करेंगे यही अर्थ निकलेगा। मूल हम आपको बता दें, कृष्ण का मतलब कर्षतीति कृष्ण, जो खींच ले। क्या खींच ले? बोले कृष्ण को जो देखे, कृष्ण का दर्शन होते ही उसका मन भगवान में चला जाए, मन ने मन को खींच लिया, चित्त को खींच लिया, बुद्धि को खींच लिया, भावनाओं को खींच लिया, और उस भक्त के जन्म जन्मांतर के जितने पाप साताप संताप थे उन सब को कृष्ण ने खींच लिया। इसलिए इनका नाम कृष्ण। कर्षति इति कृष्ण, जो कर्षण कर लेते, कर्षति इति कृष्ण, श्री कृष्णाय, ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते। श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय अहम नुमः नहीं, वयम नुमः, श्री कृष्णाय अहम नुमः ऐसा भी कह सकते। मैं नमस्कार करता हूं कृष्ण को, क्योंकि व्यास जी लिख रहे हैं तो व्यास जी ऐसा कह सकते, कहते नहीं वयम नुमः। अहम एक वचन है, आवाम दो वचन है, वयम बहुवचन है। मैं, हम दोनों और हम सब, तो वयम का मतलब हम सब। वयम नुमः बोले हम सब प्रणाम करते हैं। हम सब कौन? बोले कथा सुनाने वाले भी प्रणाम करते हैं और सुनने वाले भी प्रणाम करते हैं। श्रोता वक्ता सब मिलकर के कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ये नमस्कार भी एक भक्ति है और इसकी बड़ी महिमा है। और इसकी महिमा तो भगवान ही जानते हैं, ये संसार के लोग नहीं जानते। संसार के लोगों को तो नमस्कार करते करते तुम्हारा मत्था घिस जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता। संसार के लोगों को तो प्रणाम करते रहो, फूटी आंख देखते भी नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। हमारे आचार्य भगवान श्री यमुनाचार्य जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि एक बार भी अगर कोई भगवान को प्रणाम कर ले और कैसे भी कर ले, जिस किसी भी प्रकार से भगवान को प्रणाम कर ले, तो उस प्रणाम का फल क्या है आप सुनोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी कभी अनुभव नहीं किया उसको विश्वास भी नहीं होता, स्वाभाविक है। भिखारी को जीवन भर 10 रुपए लोग भीख देते हैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता कोई ऐसा आदमी भी मिलेगा जो हमको 1 लाख दे देगा, तो बोले उसके आगे उसकी कल्पना ही नहीं होती। हम आप भी ऐसे ही हैं, भगवान की महिमा का प्रसाद पाए नहीं है इसलिए उस महिमा को हम समझ नहीं पाते, कल्पना करते हैं ऐसा कहां हो सकता है। हो सकता है, क्या महिमा है भगवान को प्रणाम करने की। तो पूज्य आचार्य चरण कहते हैं कि त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि ही तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु ही अते। श्री यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं त्वदीय मुद्दिश्य, हे प्रभु आपको उद्देश्य करके, आपके लिए त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित, कभी भी भगवान को आप कभी भी प्रणाम करो, छूट है। आदमी के लिए तो निषेध है, कोई आपका बहुत पूज्य व्यक्ति हो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो और रात के 2 बजे आपका मन करे कि हम इनको प्रणाम करें, फोन लगाओ, बोले साहब प्रणाम,
फोन पटक देगा, बोले क्या बेवकूफी करते हो, रात को 2 बजे परेशान करते हो। लेकिन भगवान को रात के 2 बजे भी प्रणाम करो, ठाकुर प्रसन्न होंगे। इसीलिए वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कदापि, कदापि माने कभी भी, संसार को प्रणाम करने के लिए भी फाउंडेशन है, आप समय से करो तब उसका मूल्य है, बेसमय में किया तो और काम बिगड़ जाएगा। लेकिन भगवान को तो कभी भी प्रणाम करो, कदापि। केनचित, और उसमें भी कोई अधिकारी का निरूपण नहीं है, कौन कर सकता, बोले कोई भी कर सकता है। महामूर्ख हो, चाहे महामहोपाध्याय हो, चाहे व्याख्यान वाचस्पति हो, चाहे जड़मति हो, कोई भी भगवान को प्रणाम करे, दोनों के लिए फल वही है। कदापि केनचित, और कैसे करे, बोले इसका भी कोई प्रतिबंध नहीं है। संसार में प्रणाम करने के लिए तो बड़े नियम हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना नियम है, हर देश काल में भिन्न भिन्न नियम है। एक हाथ से प्रणाम करो तो कहेंगे अरे गड़बड़ किया, दोनों हाथ से करना चाहिए। तीसरा कहेगा अरे नहीं ऐसे करके करना चाहिए। चौथा कहेगा अरे लेट के करना चाहिए, कम से कम मत्था झुका लेना चाहिए। सारे नियम लागू हो जाएंगे, लेकिन भगवान को प्रणाम करने के लिए इन नियमों को समझो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझे तब भी कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, जिस किसी भी प्रकार से व्यक्ति ने प्रणाम कर लिया भगवान को, इसका फल क्या है, भगवान को उद्देश्य करके कभी भी कोई भी जैसे भी जिस किसी भी प्रकार से शुद्ध भाव से अशुद्ध भाव से कैसे भी भगवान को अगर प्रणाम कर लिया, इसका फल क्या है, आपको विश्वास नहीं होगा क्या फल है, बहुत बड़ा फल है। स्वामी जी महाराज कहते हैं तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः, उसके जितने अशुभ हैं उसी दिन से घटने शुरू हो जाएंगे। अशुभानि मुष्णाति, मुष्णाति माने भगवान उसके अशुभ का मुष्णन कर लेते हैं। ये मुष धातु है व्याकरण में, ऐसी मुष धातु से मूस बना है, जिसको चूहा कहते हैं, मूस कहते हैं, मूस को मूस क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं मुष्णाति। वो सब बटोर बटोर के ले जाकर के बिल में रख लेता है, छिपा लेता है, मुष्णाति मुष्ण करता है। उसी प्रकार भगवान को प्रणाम किया तो भगवान भी उस जीव के सारे पाप ताप संताप को बटोर लेते हैं, भगवान ले जाते जैसे चूहा सामान उठा ले जाता है। मुष्णाति तदैव मुष्णाति अशुभान्यशेषतः, उसके सारे अशुभ अमंगल धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और शुभानि पुष्णाति, और उसके जीवन में शुभ का शुभागमन होने लगता है, और जो शुभ आते हैं वो अस्थाई होते हैं, वो विनाशशील नहीं होते। शुभानि पुष्णाति न जातु ही अति, ये भगवान को प्रणाम करने की महिमा। जिस किसी भी प्रकार से भगवान को प्रणाम करो, बोले भगवान कहाँ मिले, बोले दुनिया को प्रणाम करने के लिए उनके सामने प्रणाम करना होगा। आप अपने कमरे में बैठ करके किसी व्यक्ति को यहीं से प्रणाम कर लो, उसको पता ही नहीं चलेगा। बाद में कहो भाई हमने आपको सवेरे सवेरे प्रणाम किया था, बोले हमने थोड़ी देखा था, हमको क्या पता तुमने प्रणाम किया कि नहीं किया। तो संसार में किसी को प्रणाम करने के लिए उसके पास जाओ, वो देखे, उसको जानकारी हो, तब आपके प्रणाम का मूल्य। और भगवान के लिए, बोले भगवान सब जगह हैं, वो सब जान रहे हैं, तुम जहां कहीं रहो वहीं प्रणाम कर लो, भगवान जान जाए, अलग से जनाने की भी जरूरत नहीं, जहां हो वहीं से भगवान को प्रणाम करो। सब जगह भगवान है तो हम किधर प्रणाम करें, इधर करें कि उधर करें, भगवान तो सब जगह है। ऊपर करें कि नीचे करें, किसको प्रणाम करें, कण कण में भगवान है। बोले सबको प्रणाम कर लो भगवान की भावना से, यही सबसे बड़ा प्रणाम है। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा संसार श्री सीता रामचंद्र जी का स्वरूप है, ये प्रणाम भक्ति है। कुछ न जीवन में कर सको, सवेरे से शाम तक जब भगवान की याद आ जाए, जहां रहो वहीं प्रणाम कर लो ठाकुर को। कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, गोविंदाय नमः, जो नाम याद आ जाए भगवान, बस इसका परिणाम तब देखो जीवन में कितना आनंद आता है, क्या महिमा इसकी प्रकट होती है।
इसलिए। और इस प्रणाम भक्ति में भी थोड़ा आगे बढ़कर के विचार करो तो बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ी विचारधारा निहित है, जो हमें समझना है और वो समझ लें तो हम सुखी हो जाए। और वो केवल एक शब्द में है, नमः। जब हम प्रणाम करते हैं तो क्या कहते हैं? कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः। इसमें जो नमः शब्द है ना, जिसको हम केवल नमस्कार क्रिया का वाचक मानते हैं कि नमस्कार की जो क्रिया हुई उस क्रिया को ये बताने के लिए शब्द है, लेकिन उस क्रिया को बताने के साथ साथ इसके पीछे जो भाव है वो भाव हृदय में आवे तो बहुत अच्छी बात है। क्या भाव है? बोले नमः, न माने नहीं और मह माने मेरा। नमः, न माने नहीं और म माने मेरा। ये भाव दिमाग में आवे, मेरा कुछ नहीं है। बोले तो किसका है? बोले कृष्णाय, कृष्ण का। हमारे यहां तो सब कुछ वैज्ञानिक है ना। वैज्ञानिक का मतलब ये आधुनिक विज्ञान की बात नहीं कर रहे, वैज्ञानिक का मतलब तर्कसंगत। प्रणाम किया जाता है तो जिसको हम प्रणाम करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, जो संस्कृत का सामान्य ज्ञान रखते हैं उनको मालूम होगा चतुर्थी विभक्ति होती, क्योंकि प्रणाम में चतुर्थी विभक्ति का ही वर्णन है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट योगाश्च एभिर योगे चतुर्थी स्यात्। नमस्कार में, स्वाहा में, स्वधा में, अलम में, बखट में, इन सब में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग है। और चतुर्थी विभक्ति को कारक में संप्रदान कहा जाता है, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान है। और संप्रदान का अर्थ क्या हुआ? बोले सम्यक प्रदान। आप किसी को कोई चीज दे देते हैं, अपना अधिकार छोड़ देते हैं, इसी का नाम तो संप्रदान है। तो कृष्ण में संप्रदान को जोड़ा, कृष्णाय, ये संप्रदान हो गया, चतुर्थी आ गई। और नमः, न माने नहीं, मां माने मेरा। तो पूरे प्रणाम का, प्रणाम के इस मंत्र का अर्थ क्या हुआ? जय श्री मंगला। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोविंद भगवान की श्री सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज के इस प्रथम सत्र में हमारे श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा के आचार्य इटारसी के पूज्य स्वामी जी महाराज श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज कृपा करके पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन। भगवान की कथा में संतों का आगमन हो, आचार्यों का आगमन हो, यही तो कथा का श्रृंगार है, यही कथा की सज्जा है। और भगवान की कथा तो सबके लिए, ऐसा नहीं है कि जो कथा नहीं जानते हैं वही कथा सुने, जो कथा सुनाते हैं वो भी कथा सुनते हैं, उनके लिए भी, ये तो सबके लिए, जो जीवन में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए भी, जीवन मुक्त जो हो चुके हैं उनके लिए भी कथा। जीवन मुक्त महामुनि जेवू हरि गुण सुनत अघा ही नते हो, जो जीवन मुक्त हैं वो भी भगवान की कथा सुन। और यही तो सूत जी कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधि शेधता। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए शास्त्र की कोई विधि नहीं है, जिनके लिए शास्त्र का कोई निषेध नहीं, वे भी भगवान की कथा सुनते हैं। ये विधि निषेध जो शास्त्र है ना, विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी वरणी, ये संसार में जितना शास्त्र का विधान है ये दो प्रकार का है, विधि और निषेध। विधि का मतलब क्या करना और निषेध का मतलब क्या नहीं करना। जितना भी धर्म का उपदेश है, शास्त्र का उपदेश है, वो दो ही प्रकार का है। शास्त्र कहता ऐसा करो और ऐसा न करो, दो ही प्रकार की बातें तो होती हैं, ऐसा करो ऐसा न करो। तो क्या करना ये विधि और क्या नहीं करना इसका नाम निषेध। विधि निषेध हमें कलिमल हरणी कर्म कथा, यही कर्म कथा है संसारी। जो हम कर्म करते हैं इसमें क्या करें क्या ना करें, बस विधि और निषेध। और ये सबके लिए है, हमारे आप सबके लिए। लेकिन अपवाद भी, अपवाद ये है कि जो भगवान के परम भक्त हो गए, जिनको संसार से कोई आसक्ति न रही, परम ज्ञान संपन्न हो गए, परम प्रेमी, ऐसे भक्तों के लिए न शास्त्र की कोई विधि होती है न उनके लिए कोई निषेध होता है। वो जैसे रहे वही ठीक है, उनके लिए न कोई विधि रह जाती है न कोई निषेध रह जाता है। विधि और निषेध से वो ऊपर उठ जाते हैं, उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं। कहा भी है कि अत्यंत परभक्तानाम नैव शास्त्रम न चक्रमः। अत्यंत परभक्तानाम, जो भगवान के परम भक्त हो गए,
उनके लिए शास्त्र का कोई क्रम नहीं, उनके लिए कोई विधि नहीं, क्योंकि वो तो सदा भगवत प्रेम में ही डूबे रहते हैं। लेकिन इसका मतलब आप लोग ये मत समझना कि इस पंक्ति को प्रमाण के रूप में लेकर और अपने मनमाने आचरण को शास्त्र के अनुकूल सिद्ध करना कि हम भी भगवान के परम भक्त हो गए इसलिए अब हमारे लिए कोई विधि नहीं, हम तो जैसे चाहें तैसे ही करें, बोले पतित हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओ, पातित्य होगा। इसलिए वो स्थिति स्वतः उत्पन्न होती है, वो अपने से नहीं करना पड़ता। वो परम प्रेम की दम प्रेम की दशा जो आती है जीवन में, वो अपने आप आती है, न चाह करके सब कुछ छूट जाता है अपने आप। उसे होश ही नहीं रहता कई बजे सो के उठें, कई बजे भोजन करें, क्या करना क्या नहीं करना, उसको तो यही पता है केवल भगवान है, उन्हीं का स्मरण करता रहे। तो वो दशा ही एक अलग है। श्री विल्व मंगल जी महाराज अपने कृष्ण करणामृत ग्रंथ में कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः स्मारम स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येन मे। अब इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, प्रसंग आएगा तो फिर चर्चा करेंगे। लेकिन विल्व मंगल जी महाराज ऐसा कहते हैं तो वो दशा जहां संध्या वंदन नित्य नियम सारे धर्म कर्म छूट जाएं, वो विलक्षण प्रेम की स्थिति तो भक्तों में कदाचित होती है। लेकिन ऐसे भक्त जो हैं वो भी भगवान की कथा सुनते हैं। बात यहां से शुरू हुई कि कथा की महिमा क्या, कथा किसको सुनना चाहिए, कथा सबको सुनना, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो मूढ़ हो पामर हो महामहोपाध्याय हो, सबके लिए भगवान की। और जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे ना राजा परीक्षित को गंगा के तट पर, यही भागवत कथा, तो वहां सुनने वाले कौन थे, बोले परीक्षित महाराज तो सुन रहे थे, वो तो जजमान ही थे, श्रोता थे। लेकिन उसके अलावा सुनने वाले कौन थे, बोले सुखदेव जी के बाप भी कथा सुन रहे थे बैठकर, वेदव्यास जी भी बैठे थे। और वेदव्यास जी नहीं, वेदव्यास जी के जो बाप थे वो भी बैठे थे कथा सुनने के लिए, पराशर महर्षि। और जो बाप के बाप थे वो तो मर चुके थे, महर्षि शक्ति, लेकिन उनके भी बाप जो थे वशिष्ठ जी महाराज, वो भी बैठे थे कथा सुनने। सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे तो उनके पिता भी सुन रहे थे, उनके बाबा भी सुन रहे थे, पर बाबा तो मर चुके थे लेकिन पर बाबा के बाप जो थे लकड़ दादा, वो भी बैठ के कथा सुन। और लकड़ दादा की कौन कहे, सबके दादा उनके भी बाप जो ब्रह्मा जी थे, वो ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर आदि सब आकर के सुखदेव की वाणी को सुन। तो भगवान की कथा तो सदा श्रवणीय है सबके लिए। ऐसी ये दिव्य मंगलमयी कथा। और आज की कथा में स्वामी श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज पधारे, आपका अभिनंदन वंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था प्रणाम भक्ति, भगवान को प्रणाम करना, यह अपने आप में एक परिपूर्ण भक्ति है और बड़ी सरल है। और जब हम प्रणाम करते हैं तो नमः रामाय नमः कृष्णाय नमः ऐसा जो बोलते हैं उसका यही तात्पर्य है, कृष्णाय नारायणाय रामाय, जो भी भगवान का नाम ले। और वहां पर संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके हम यही चिंतन करते हैं, सब कुछ हमने भगवान को दे दिया, अपना समर्पण भी भगवान के चरणों, इसी में शरणागति भी है। हाँ, प्रणाम में ही शरणागति नहीं थी, भगवान को हमने प्रणाम किया, अपने आप को भी भगवान को दिया संप्रदान, क्योंकि प्रणाम में तो संप्रदान ही होता है, संप्रदाने चतुर्थी। तो सब कुछ भगवान को प्रदान, तो हमारा क्या है, तो कहते नमः। न माने नहीं, मा माने मेरा, मेरा कुछ नहीं, नमः मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, ऐसी बुद्धि बन जाए, ऐसी बुद्धि दृढ़ हो जाए, इसी का नाम प्रणाम है। और इस भाव से कहीं भी भगवान को प्रणाम करते, भगवान तो सब जगह सी राम में सब जगह जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पान, सब कुछ भगवान, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बुद्धि।
ये बुद्धि, ये ज्ञान का संपादन, ये चिंतन, ये भावना, यही तो भक्ति है। बाकी बुद्धि चिंतन कर रही है 24 घंटे संसार की, और 24 घंटे बुद्धि संसार के प्रपंच को बनाने में लगी है, 24 घंटे बुद्धि एक दूसरे को परेशान करने में, लोगों को सताने में, दुख देने में, लोगों के साथ बेईमानी करने में लगी है। अब 15 मिनट बैठ करके घंटी बजाओ और धूप बत्ती दिखाओ, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये व्यर्थ का नाटक है। इस नाटक से बचो। आज ऐसे नाटकियों की संख्या ज्यादा है, नाटक है वो, कुछ नहीं है। दो पैसे का फूल फोकट का पानी चढ़ा करके भगवान को ठगने की कोशिश मत करो। भगवान बड़े बुद्धिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। यह सर्वज्ञ सर्ववित परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार की समर्पण बुद्धि हो, इसी का नाम नमस्कार। और नमस्कार की कितनी महिमा है। स्वामी जी के श्लोक को हमने उद्धृत किया, त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्य शुभान्य शेषतः शुभानि पुष्णाति न जाय जातु हियते। तो भगवान को प्रणाम करना, यह एक बड़ी सरल और सुगम भक्ति। कहीं भी रहो, जहां रहो, वहीं भगवान को प्रणाम। व्यास जी ने प्रणाम किया और फिर भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए सूत शौनक संवाद से ये कथा गतिमान होती है। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और सूत जी के चरणों में बैठकर तत्व की जिज्ञासा की। नैमिषारण्य बड़ी पावन धरती है, ऐसे तो पूरी धरती ही पावन है, क्योंकि ये भगवती है, भगवान की प्रेयसी है, ये धरती भगवान की पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्वमे, प्रातः काल उठ करके पृथ्वी की जब प्रार्थना करते हैं तो यही तो कहते हैं, हे विष्णु पत्नी, मैं अपने पैरों से तुम्हें स्पर्श कर रहा हूं, तुम क्षमा करना। बोले बिस्तर से उतरोगे, जमीन पर पैर रखोगे तो पैर तो पृथ्वी पर ही टिकेगा, तो पृथ्वी कौन है? बोले लक्ष्मी, वो भगवान विष्णु की पत्नी है, विष्णु पत्नी। और इसको पैर से छुए? बोले तो अब क्या करें, मजबूरी है, कहां जाए। बच्चा अपनी माँ के पेट में रहेगा तो माँ को पैर से और हाथ से तो छुबा ही करेगा, कहाँ छुएगा। गर्भ में बालक अपना पैर चलावे तो पैर किसको लगेगा, ये बता। बोले माँ को ही तो लगेगा, तब क्या करे, उसकी मजबूरी है। भागवत में ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की भगवान की तो ऐसे ही कहा, वहां पर प्रसंग आएगा। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, गर्भगतस्य पादयो, हे भगवान, जैसे गर्भ में बैठे हुए बालक के पाद स्पर्श को, उसके चरण प्रहार को माँ अपराध नहीं मानती, उसी प्रकार हमसे भी गलती हो गई, तो हे भगवान क्षमा कर देना, हम कहाँ जाएं, आप ही में तो हैं, बाहर कहाँ हैं, सब तो आप हो। तो जैसे गर्भस्थ बालक पाद प्रहार करे तो माँ को ही लगेगा, किसी दूसरे को तो लगेगा नहीं, अब मजबूरी है। उसी प्रकार हम धरती पर हैं तो कहां जाएं, पैर तो धरती ही पर रखना पड़े। और इसका नाम धरती इसीलिए कि यही धारण करेगी, धरती इति धरती, जो धारण करे इसी का नाम धरती। कहां टिकोगे, आकाश में तो टिक नहीं सकते, पानी तुमको ऊपर रोक नहीं सकता, वायु तुमको ऊपर टिका नहीं सकती, आकाश तो शून्य है, टिकने के लिए तो धरती ही आना पड़ेगा। धरती इति धरती, इसीलिए इसका नाम धरती, ये सबको धारण करती। और ये मां है, जननी है। पाद स्पर्शम क्षमस्व में प्रार्थना करते हैं, हे भूदेवी, आप मेरे चरण स्पर्श को क्षमा करो। तो ये संपूर्ण पृथ्वी ही भगवती का स्वरूप है, भगवान की प्रिया है, ये मां है, धरती मां है। लेकिन इस धरती में भी धरती के कुछ अंश विशेष भोग्य होते हैं बुद्धिमानों की दृष्टि से। जैसे माँ के शरीर में माँ का कान भी है, माँ का आंख भी है, माँ का नाक भी है, माँ के हाथ भी हैं, माँ की उंगलियां भी हैं, लेकिन बच्चे के लिए तो माँ का पयोधर ही सर्वोपरि है। क्यों? बोले दूध तो उसी में मिलेगा,
पेट तो उसी से भरेगा, तृप्ति तो उसी से होगी। माँ के सभी अंग आदरणीय और सम्माननीय है, लेकिन बच्चे के लिए तो अत्यंत प्रिय माँ का पयोधर ही होता। पयोधर पान में उसको सुख मिलता है, दूध मिलता है, पुष्टि मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार ये संपूर्ण धरती मंगलमयी है, परंतु इस धरती में जहां पर कृष्ण रस की प्राप्ति हो, ऐसे जो पवित्र तीर्थ होते हैं वो भक्तों के लिए उपादेय होते हैं, इसीलिए तीर्थों की ओर लोग भागते हैं। ऐसे तो सब धरती है। अब तर्क करने वाले तो ये कहते हैं, महाराज सब जमीन मिट्टी पानी वही है, अयोध्या में क्या है, वृंदावन में क्या है, क्यों वृंदावन अयोध्या के लिए लोग दौड़ रहे हैं? बोले यही तर्क तो माँ से भी कर लो कि भाई माँ के शरीर में शरीर तो वही है, वही खून है, वही पानी है, वही आत्मा है, तो बच्चा माँ का दूध न पी करके माँ की उंगली पिए तो पेट भरेगा है? उसको तो माँ का पयोधर ही चाहिए, तभी उसे तृप्ति हो। उसी प्रकार भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, उन प्रेमी भक्तों के लिए कृष्ण रसामृत की प्राप्ति के लिए, राम नामामृत की प्राप्ति के लिए, कृष्ण कथामृत की प्राप्ति के लिए, राम कथामृत की प्राप्ति के लिए वृंदावन नैमिषारण्य और अयोध्या जैसी पावन धरती का चयन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए तीर्थों की महिमा है। तो नैमिषारण्य ऐसी पावन धरती, पृथ्वी का वो भूभाग जो कथा की भूमि है, जिस भूमि ने बहुत कथा सुनी, नैमिषारण्य की धरती पर जितनी कथा हुई उतनी दुनिया में कहीं कथा नहीं। 88,000 शौनकादि मुनियों को सूत जी महाराज ने सभी पुराणों की कथा सुनाई। लौकुश ने राम कथा सुनाई तो नैमिषारण्य से शुरुआत की। सामान्यतया लोग यही जानते हैं कि लौकुश ने राम कथा गाई तो अयोध्या में गाई, अयोध्या में नहीं गाई। पढ़ लेना उठा करके वाल्मीकि रामायण। जब नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, उसी अश्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि महर्षि कुश और लव को लेकर के नैमिषारण्य गए, और वहां पर नैमिषारण्य में राम जी के दरबार में कुश और लव ने ये राम कथा को गाया। तो सारी कथाएं नैमिषारण्य में हुई, नैमिषारण्य की वो धरती पावन धरती कथा की।